गाइज ये YouTube पर पहली वीडियो होने वाली है Realme C30 स्मार्टफोन को लेकर, तो वीडियो के अंत जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर, चलिए चलते हैं। आप में से काफी सारे लोगों को ये पता होगा कि Realme अपनी C सीरीज में अधिकतर एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता है, जिनमें से ज्यादातर स्मार्टफोन की प्राइस हमें 10,000 रुपए से कम देखने को मिलती है। इस स्मार्टफोन की प्राइस भी हमें 10,000 रुपए से कम देखने को मिलेगी। इसकी प्राइस के बारे में हम भी इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो अधिकतर लीक्स के हिसाब से इसमें आपको 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलने वाली है। अगर गाइज इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको इसमें एक फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है तो अदर जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन है उनके लिए काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इसमें आपको फुल HD या फिर HD डिस्प्ले मिलेगी। वहीं अगर मैं इसके कैमरास की बात करूं तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाएगा। गाइज अधिकतर आपको एंट्री लेवल स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल के कैमरास मिलते हैं। वहीं अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। और गाइज अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की तो गाइज आप टेंशन मत लीजिए, इसमें आपको G35 नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको UNISOC T606 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है। इसमें आपको Realme UI R एडिशन देखने को मिलेगा जो कि Android 11 बेस्ड है। इसमें आपको 2 और 3 GB की LPDDR4X की रैम मिल जाती है। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो गाइज इसमें आपको 32 GB की eMMC 5.1 की स्टोरेज मिल जाती है जो कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से काफी अच्छी स्टोरेज है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही थी यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर लो यार। और बात की जाए बैटरी की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 10W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। Realme C30 स्मार्टफोन में आपको 3 कलर वेरियंट मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। डिजाइन के बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, देखते हैं किस तरीके की इस स्मार्टफोन में हमें डिजाइन देखने को मिलती है। और अगर मैं इसकी लॉन्चिंग और प्राइस की बात करूं तो गाइस हो सकता है जो लीक्स के हिसाब से मैं आपको इसकी प्राइस बता रहा हूं कि आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस 7,000 रुपए से कम देखने को मिले। और लॉन्चिंग की अगर बात की जाए तो गाइस लॉन्चिंग के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं आई, बट ये स्मार्टफोन हमें जल्द से जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा।